हेलो फ्यूजोशीज वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजोशी वर्ल्ड आज मैं आपके लिए जापनीज बी ड्रामा माइ स्ट्रॉबेरी फिल्म का एपिसोड फाइव लेकर आई हूं अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लीज डू चेक इट आउट सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट अटेंड द वीडियो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हे रियो चीका और मिनामी सभी मिलकर बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं चीका इस आउटिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है इसलिए वो अपने लिए नए जूते भी खरीदती है अपने रोजाना लुक से वो इस दिन कुछ हट कर रेडी भी होती है उसने अपने बाल बनाए होते हैं नील पेंट्स भी लगाया होता है और बहुत अच्छे से रेडी भी हुई होती है चीका ने ये सब सिर्फ और सिर्फ रियू को इम्प्रेस करने के लिए किया होता है चीका को जैसे रियलाइज होता है कि वो लेट हो रही है तो वो भाग कर सबके पास जाती है जो पहले से उसका वेट कर रहे थे सभी को चीका का नया लुक बहुत पसंद आता है रियू भी चीका की तारीफ करता है हिकारू चीका से कहता है कि वो आज कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर आई है जिस पर चीका भी उससे कहती है कि हिकारू ने भी तैयार होने में काफ़ी मेहनत की है इस नोक छोक के बाद रियू सब चलने के लिए कहता है रियू जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं इससे पहले वो गिरता है कारू से संभाल लेता है ये देखकर चीका को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो लोग एक ऐसे बेकरी शॉप में जाते हैं जहां केक के साथ साथ अगर वो लोग चाहे तो सामान भी खरीद सकते हैं हिकारू रियू को अपने साथ कुछ सामान देखने के लिए ले जाता है वहीं चीका और मिनामी भी एक साथ कपड़े देखने लगते हैं मिनामी चीका के लिए एक ड्रेस पसंद करती है जो चीका के स्टाइल का तो नहीं होता है पर डेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है चीका ड्रेस को लेने से इनकार कर देती है क्योंकि ना ही उसका डेट पर जाने का कोई प्लान है और ना ही उसके साथ डेट पर जाने के लिए कोई है नामी चीका से कहती है कि वो लोग इस वक्त डबल डेट पर ही तो हैं। चीका के कपड़े चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे हैं कि वो डेट पर आई है चीका हंस कर इस चीज़ से इनकार करती और बोलती है कि वो बस आज कुछ अलग ट्राई करना चाहती थी पर मिनामी आसानी से चीका को पढ़ पाती है कि वो ये सब किसके लिए कर रही है वो इसमें चीका की हेल्प करने को बोल कर हिकारू के पास जाती है और उसे अपने साथ कपड़े देखने के बहाने से ले जाती है ताकि चीका और रियू अकेले समय बिता पाए और ऐसा ही होता है चीका अपने लिए एक लॉकेट देखने लगती है उसे वो लॉकेट काफ़ी पसंद आती है रियू भी बोल देता है कि ये लॉकेट उसमें अच्छी दिखेगी चीका आईने में लॉकेट पहन कर देखती है उसके बाद रियू की नज़र चीका की नील पेंट पर भी जाती है वो उसकी भी तारीफ करता है चीका को अच्छा लगता है कि जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया वो उसे नोटिस कर रहा है इधर मीनामी की नज़र चीका और रियो पर जाती है वो उन्हें थोड़ा देर देखती है उसके बाद अपने लिए स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर करने चली जाती है हिकारू भी अपने लिए चॉकलेट केक ऑर्डर करता है पर उनके पास इस वक्त स्ट्रॉबेरी केक खत्म हो चुकी होती है इसलिए वो दोनों अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं चीका देखती है कि रियू भले ही उसके साथ है पर अभी भी उसकी नज़र हिकारू पर ही टिकी हुई है उसे इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है इसलिए वो लॉकेट भी नहीं खरीदती है यहाँ से निकलने के बाद वो लोग बीच पर जाते हैं रिहू साइड में ही पत्थर पर बैठ गाने सुन रहा होता है और बाकी लोग एक दूसरे में ही कंपटीशन कर रहे होते हैं कि कौन पानी में सबसे दूर तक पत्थर फेंक सकता है मिनामी को कहीं पर खोया देख कर हिकारू उससे पूछता है कि सब ठीक तो है मिनामी कहती है कि उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है ये जगह बहुत सुंदर है हिकारू भी मिनामी को देखते हुए कहता है कि ये जगह सच में बहुत सुंदर है ऐसा लगता है जैसे वो समुद्र की नहीं बल्कि मिनामी की बातें कर रहा है उसके बाद वो लोग एक दूसरे की वीडियोज लेने लगते हैं हिकारो मिनामी को वीडियो वाली लड़की की तरह स्पिन करने को कहता है चीका रियू को अकेला बैठा देख कर उसके पास आती और पूछती कि क्या उसे समुद्र बोरिंग लगता है रियू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है उसे भी समुद्र सुंदर लगता है उनके बीच खामोशी छा जाती है इसलिए रियू अपने फ़ोन से खुद का गाना बजाने लगता है चीका को गाना काफ़ी पसंद आता है क्योंकि ये गाना समुद्र को काफ़ी शूट कर रहा होता है रियो चीका को थैंक यू बोलता है और मिनामी और हिकारू को एक साथ एंजॉय करते देख कहता है कि वो लोग भी एक दूसरे को काफ़ी शूट करते हैं रियो चीका से पूछता है कि क्या वो कहीं और जाना चाहती है उन्हें उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए चीका रियो से पूछती है कि उसे इस चीज़ से दिक्कत तो नहीं होगी रियो को ये सवाल कुछ समझ नहीं आता है वो बस इतना जानता है कि हिकारू और मिनामी उनके बिना ही ठीक रहेंगे इतना कहकर वो चीका को अपने साथ चलने को बोलता है थोड़ी देर के बाद हिकारू भी नोटिस करता है कि चीका और रियो वहां पर तो है ही नहीं मीनामी को लगता है कि शायद उन्हें भूख लगी होगी इसलिए वो लोग खाने गए होंगे उसके बाद वो दोनों फिर से वीडियोज देखने में बिजी हो जाते हैं हिकारू बार बार वीडियो की जगह मीनामी को देखने लगता है जब मीनामी ये चीज नोटिस करती है तो वो एम्बारस फील करने लगता है हिकारू हिचकिचाते हुए मिनामी से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है मिनामी इस सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं देती है इसलिए हिकारू समझ ही नहीं पाता है कि मिनामी सिंगल है कि नहीं मिनामी कहती है कि वो हिकारू को क्यों बताए कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं इससे उनके बीच क्या बदलेगा वो जब भी हिकारू के साथ रहती है तो उसे अच्छा लगता है हिकारू भी कहता है कि उसे भी उसके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगता है दूसरी तरफ नए जूते होने की वजह वजह से चीका को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है रियो से पूछता है कि वो ठीक तो है वो लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं चीका अचानक इमोशनल होने लगती है और रियो से कहती है कि वो इतना अच्छा क्यों है आज ही उसने उसके बालों की तारीफ की है उसके नेल्स भी नोटिस किए हैं और अभी भी वो उसके लिए अच्छा ही सोच रहा है चीका आखिरकार अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपा पाती और रियो को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है रियु को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या बोले इसलिए वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है चीका उसे कुछ तो कहने को कहती है रियू बस ही बोल पाता है चीका उसे माफी मांगने से मना करती है और अपने जूते हाथों में लुकर वहां से जाने लगती है रियू को चिंता होती है कि कहीं नंगे पैर चीका के पैर में शीशा ना चुप जाए वो इसके लिए बैंडेड लेने जाने वाला होता है कि चीका फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला कर कहती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे है वो तो उसे पसंद भी नहीं करता है इतना कहकर वो रोने लगती है रियू फिर से उससे माफी मांगते है चीका उसे माफी मांगने से मना करती है दूसरी तरफ हिकारू मिनामी को वहीं पर इंतजार करने को बोलकर कहीं चले जाता है मिनामी अकेले बैठी हुई होती है और उस वीडियो वाली लड़की के बारे में सोचने लगती है तभी हिकारू भी वापस आ जाता है और मिनामी को स्ट्रॉबेरी मिल देता है उसे कहीं पर भी हॉट स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं मिल पाता इसलिए वो कोल्ड मिल्क ही ला पाता है मिनामी पहली बार स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रही होती है वो हिकारू को भी ट्राई करने को देती है मिनामी को इस तरह की स्ट्रॉबेरी मिल्क उतनी पसंद नहीं आती है हिकारू उससे माफ़ी मांगता है कि वो इसके लिए असली स्ट्रॉबेरी नहीं ला पाया ये सुनकर मिनामी हंसने लगती है और हिकारो को माफ़ी मांगने के लिए मना करती है हिकारू फिर से मिनामी को घूरने लग है। मिनामी इस बार पूछ ही लेती है कि क्या हुआ है हिकारू कहता है कि अगर वो सच कहे तो असली स्ट्रॉबेरी से तो उसे ये स्ट्रॉबेरी मिलकर अच्छा लगा इस पर मिनामी कुछ नहीं कहती है और खुद में ही सोचती है कि उसे हिकारू के साथ मजा तो आता है पर अब वो उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगी है मिनामी ठंड बढ़ने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है हिकारू भी उसके पीछे पीछे जाता है और इस तरह यहाँ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन बाय